हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवीपी स्टार। तो फ्रेंड्स, आपने पहले बहुत सारे स्मृति चित्रण देखा जिसको मैंने बनाया, शेडिंग किया और बताया कैसे क्या करना है। अब मैं एक बुक बना रहा हूँ और इसको शेडिंग करूँगा। आप लोग देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहता है, कभी खुला बुक कभी बंद बुक ऐसे आता रहता है। तो मैं ये क्लोज बुक बना रहा हूँ, बंद बुक। अगर खुला बुक आता है तो वो भी ऐसे बन जाएगा। बुक बनाते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बुक को थोड़ा सा 3D लुक आ जाए, और उस पर कुछ लिख भी दीजिएगा, जैसे मैंने नॉर्मली लिख दिया AVP स्टार सब्सक्राइब नाउ, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। और ये जो कवर के बगल होता है, यहाँ पे थोड़ा सा गाढ़ा शेडिंग, उसके बाद थोड़ा हल्का शेडिंग कर दीजिएगा, जिससे काफ़ी अच्छा लुक नज़र आएगा आपको। और इसके बाद हम लोग एक कफ प्लेट बनाएंगे, और कफ प्लेट जैसे मैं प्लेट बना रहा हूँ और प्लेट में कफ रख रहा हूँ, तो ऐसे कफ प्लेट जितने भी, कभी कभी ऐसे बोलता है प्लेट में रखा हुआ संतरा बनाइए, प्लेट में रखा हुआ सेब बनाइए, तो बस जहाँ पे कफ है ना वहाँ पे आपको संतरा बनाना है। और सेब और मैंगो ये सारा तो मैंने बना के दिखा दिया, तो बस केवल पहले मैंगो बना लेना और बगल से तुरंत कफ बना देना, ईजिली बन जाएगा। तो ज़रूरी नहीं सारे को मैं बना के दिखाऊं कि मतलब प्लेट में रखा हुआ संतरा भी बनाओ, प्लेट में रखा हुआ केला। जैसे आपने केला, पहले केला बना लो उसके बाद नीचे प्लेट बना दो, ईजिली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और हाँ, आप बोर्ड एग्ज़ाम में जाने से पहले आपका जो बुक है उसको अच्छे से, स्मृति चित्रण वाला जो बुक है ना, एकदम कंसंट्रेट हो करके ध्यान से सारे ड्राइंग को एक बार देख के जाना। बाकी ये वीडियोस तो आप देख ही रहे हैं, जाते समय बुक को भी थोड़ा सा देख लेना कि कैसे क्या है, और इसका कई बार प्रैक्टिस कर लेना, हो सके तो मेरे साथ साथ ही बना लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैंने जो पहले बनाया है, अगर कोशिश करोगे वही पहले बनाओगे तो ईजिली बन जाएगा। अब जैसे कफ प्लेट बनाना है तो आपको पहले कफ बनाना है, उसके बाद प्लेट बनाना है। प्लेट में रखा हुआ संतरा बनाना है आपको, तो पहले संतरा बनाना है उसके बाद प्लेट बनाना है। ऐसे जब करोगे तो ईजिली बनेगा, अगर उल्टा आप करोगे कि पहले प्लेट बनाओ फिर, थोड़ा सा उसमें दिक्कत होती है। ये कफ प्लेट बन गया। खैर, थोड़ा सा ये कफ को और बड़ा बनाना चाहिए, लेकिन मैंने ज़्यादा उसको नहीं किया क्योंकि टाइम है नहीं ज़्यादा कुछ, बोर्ड एग्ज़ाम आपका जस्ट पास आ गया, तो थोड़ा मैंने ऐसे कर दिया। थोड़ा सा अगर कफ को बड़ा करते तो ईजिली सारा कुछ हो जाता। और अब हम लोग एक छतरी बनाते हैं। छतरी बनाते समय पहले इसकी जो स्टिक होती है ना छतरी की, पहले छतरी की स्टिक बनाना है आपको। स्टिक बना करके फिर ये चाप आपको लगाना है। चाप लगा करके थोड़ा सा मेजर में, इधर थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा, दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा, फिर बीच में सारा कुछ कर देना। थोड़ा सा जब आप छतरी बनाएं या फिर जब भी बाल्टी बनाएं या फिर कुछ भी बनाएं, तो उसको माइंड में सोचिए कैसा था, कैसा था ऐसे करके, तो फिर वो सही से लुक आपके समझ में आ जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, पहले ही थोड़ा गाढ़े पेंसिल से मत बनाना, पहले बहुत हल्के हाथों से बनाना कि ताकि आपको अगर इरेज करना हो तो ईजिली इरेज हो जाए। और बाकी इसको माइंड में बैठाइए, थोड़ा सा ऐसे रफली आप ड्रॉ कीजिए, वहाँ पर अच्छे से ड्रॉ करना, बस यहाँ पे रफली ड्रॉ कीजिए। मैं भी जो भी ड्रॉ कर रहा हूँ थोड़ा रफली ही ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा मतलब उस पर वर्क करके नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली फेयर कर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इसके बाद हम आलेखन वाला वीडियो जल्दी डाल रहे हैं, इसको आप लोग देख करके फिर आलेखन वाला देख लीजिएगा, उसमें जो भी टिप्स हैं ट्रिक्स हैं उसको हम बताएँगे। बाकी छतरी भी इम्पोर्टेंट है, अगली बार वो बंद छतरी आया था, इस बार हो सकता है खुला छतरी आ जाए। और अब हम लोग बाल्टी बना रहे हैं। बाल्टी दो तरह से देता है, कभी कभी वो प्लास्टिक बाल्टी बनवाता है, कभी कभी वो जो स्टील वाली बाल्टी आती है उसको बनवाता है। जो प्लास्टिक वाली बाल्टी होती है वो थोड़ा सा इजी होता है, बाकी ये थोड़ा सा हार्ड होता है उससे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ईजिली बना पाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसके शेप को, और वहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से बनाना है और टाइम को भी वेस्ट नहीं करना है आपको। टाइम थोड़ा संभाल के रखिएगा क्योंकि टाइम आपका वहाँ पे आलेखन में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और स्मृति चित्रण में भी। कैसे पेपर आता है अगर वो नहीं जानते हैं आप, तो जो सेकंड पार्ट है वीडियो का उसको आप देख लीजिए, उसमें सारे पेपर को मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी इससे पहले के वीडियोज़ में मैंने चौथे पार्ट में भी
स्केचिंग किया है, कई सारे 7 डायग्राम बनाए उस पर, और उसके बाद में उसको शेडिंग किया है। और अब हम लोग बनाते हैं सुराही। सुराही लगभग दो तरह का है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। सुराही में बस सीधा सीधा आपको रखना है कि गर्दन उसका बड़ा कर देना है और नीचे मटकी बना देना है, थोड़ा सा मटकी को सजा देना है, हो गया सुराही। और उसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। अब सुराही में चाहे पहले आप इसका गर्दन बना लीजिए या फिर पहले मटकी जैसा बना करिए फिर गर्दन बड़ा कर दीजिए, एक ही बात है। और प्रेशर ले करके आप लोग मत वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिएगा, एकदम माइंड को एकदम शार्प रखिएगा, एकदम फुल इंजॉयफुल करके रखिएगा, थोड़ा सा भी टेंशन मत लेना। और अच्छे से आप दोगे ईजिली, अच्छा बनेगा और अच्छे मार्क्स आएंगे, 90+ मार्क्स तो ईजिली आ जाएंगे। बस जितना वो कंडीशन दे रहा है उतने कंडीशन को आप फॉलो कर लो। जैसे वो टाइम बता रहा है, ओ सॉरी मेजरमेंट बता रहा है कि इतने मेज़र में होना चाहिए, तो उसको उतने ही में रखना है आपको। उसके बाद में जैसे वो बोले कि ये बनाने के बाद में बोला प्लेट में चाहिए, तो उसको प्लेट में दे दो। और थोड़ा सा शेप अच्छा नहीं भी बना ना तो भी वो नंबर दे देगा, बस वो कह रहा है प्लेट में रखो। अब वो कह रहा है 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, तो 15 सेंटीमीटर से छोटा ना रखो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा चलेगा, छोटा ना रहे और शेप थोड़ा सा लगे कि हाँ वैसा है, बस इतना हो गया आपका काम। अभी ये बैट बॉल देखिए, बैट बॉल भी पूछता रहता है, बनवाता रहता है। तो एक बस केवल पहले इसका इजीली एक हैंडल बनाना है और उसके बाद में ये एक गोल सा राउंड कर दो। बाकी अब तो क्रिकेट मैच देखते रहते हैं तो उसमें बॉल बैट बहुत सारे रहते हैं, बस MRF लिख दोगे थोड़ा सा अच्छा लुक आ गया। अब देखो ये हॉकी स्टिक और बॉल कई बार बोलता है, तो हॉकी स्टिक ऐसे आप बना सकते हो। हॉकी स्टिक में भी पहले उसके टॉप वाला पॉइंट बनाना है, उसके बाद नीचे आ जाना है, थोड़ा राउंड कर देना और फिर ये आपका हॉकी स्टिक कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आलेखन के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।